सच और झूठ में धागे भर का फर्क होता है। धागे के इस तरफ सच और उस तरफ झूठ। जो धागा खींच दो तो कौन सच और कौन झूठ, करोड़ रुपए का सवाल है। हर नकाब, हर पर्दे के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, एक ऐसी सच्चाई जो हर पल रंग बदलती है, एक ऐसी सच्चाई जो भेड़ियों के इशारों पर नाचती है। लेकिन सच्चाई किसी कोठे पे बैठने वाली तवायफ नहीं जिसके घुंघरू कुछ इशारों पर बोलते हैं। हम आपके सामने आए एक ऐसा आईना बनके जो सिर्फ और सिर्फ सच बयान करती है, जहां झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपने देखा किस तरह एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में एक घिनौने सच को नंगा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट करण थप्पड़ को शिकार बनना पड़ा एक भेड़िए का। लेकिन ये आपकी हौसला अफजाई है जिसकी बदौलत हमने इस खेल के तह तक जाने की ठान ली और इस कहानी के हरेक पात्र को बेनकाब करने का जिम्मा हमने उठाया। चैन से रहना है तो भाग जाओ। Hello and welcome to Tedhi Baat Dvitiya. As the spate of disciplinary actions and bans continues to hit one of the leading institutes of our country and disrupts the academic lives of students here, we ask what are the real intentions of the force behind all these decisions? That's the critical question that I should put in an exclusive interview to Sarkar, the Sarve Sarva of this institute. So Sarkar, my first question is regarding the recent hike in the number of seats in your institute. In the year 2003, the total number of seats that your institute offered, according to our data, was approximately 650. The very next year, the figure jumped to 800, and within 2 years, it has touched 900. Sarkar, why this rise in the number of seats every year? Why do you keep on increasing the number of seats? Why do you keep on increasing the number of seats every year? You keep on increasing the number of seats. So, Sarkar, do you think? Thamba. Hindi mein prashn pucho. Hindi. Okay, Sarkar.
मतलब आप अभी तक कुछ भी नहीं समझे जो मैंने कहा? ओके, सरकार, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपके संस्थान में हर साल सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमारे पास ऐसे आंकड़े भी उपलब्ध हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। तुम्हारे सारे आंकड़े बेबुनियाद हैं, इनका कोई आधार नहीं है। तुम आज भी किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी हॉल, किसी भी रूम पे जाकर देख लो, सीटों की संख्या आज भी उतनी ही है। माफ कीजिएगा सरकार, मैं उन सीटों की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था स्टूडेंट्स के इंटेक से, यानी वे स्टूडेंट्स जो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वो संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया यस्टरडे की रैंकिंग के अनुसार 3 साल तक हमारा संस्थान नंबर 1 पर रहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा इसका एक ही उपाय है, सीट्स बढ़ाओ। मैं चाहता था कि हर गली हर तरफ आई आई टी एंस हो, हर सब्जी वाला, पान वाला, गाजर, मूली, सभी के सभी आई आई टी एंस हो। सरकार, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप लोग काफी पीछे हैं, काफी कमी है? टाइम्स फ्रॉम इंडिया के अनुसार आज भी आपके इंस्टीट्यूट में 197 फैकल्टी मेंबर्स की कमी है। सरकार, द फिगर इज 197। तो क्या ऐसे कंडीशंस में भी आप अपने स्टूडेंट्स को वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे जिसके लिए आपका इंस्टीट्यूट जाना जाता है? इंडिया यस्टरडे की रैंकिंग के अनुसार 3 साल तक हमारा संस्थान नंबर 1 पर रहा था, यहाँ आज भी वैसा ही टाइप ऑफ एजुकेशन मिलेगा जैसा 3 साल पहले मिला करता था। लेकिन हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि इसके लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। इंडिया यस्टरडे की रैंकिंग के अनुसार, जी हाँ, आपका इंस्टीट्यूट लगातार 3 साल नंबर 1 रहा, लेकिन अब इसके आगे क्या? अगला सवाल। माफ कीजिएगा सरकार, पर आप इस अहम मुद्दे को इस तरह नकार नहीं सकते। लगता है करण, तुम पिछले एपिसोड की कुछ बात भूल गए। ओके, सरकार, मेरा अगला सवाल, रिजर्वेशन इश्यू पर आपका स्टैंड अन्य सभी इंस्टीट्यूट्स के सरकार से बिल्कुल अलग था, ऐसा क्यों? ये सारी बातें तुम्हारी समझ से परे हैं, इन मुद्दों को उठाने का कोई फायदा नहीं है। आपका कहने का मतलब? मतलब समझने की कोशिश भी मत करना करण। अब हम आते हैं सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी पर जिसने आपके इंस्टीट्यूट की दीवारों को हिला कर रख दिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 हॉस्टल के सीनियर्स के खिलाफ डीसीज बैठी आपके इंस्टीट्यूट में। इट वॉज अगेंस्ट दो सीनियर्स हु वर फाउंड इंडल्ज्ड इन द एक्ट, बट द वेरी बेसिस वॉज नॉट क्लियर और सख्त से सख्त डिसीजंस उनके खिलाफ लिए गए। कुछ ऐसे डिसीजंस जो उनके एकेडमिक लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते थे। सरकार, ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले के तह में गए बिना आनन फानन में ये सारे डिसीजंस लिए गए। तो ये बताइए, क्या किसी एक या दो कंप्लेंट्स के बेसिस पर ऐसे डिसीजंस लेना उचित है? आपने सारे एक्शंस, ये सारे डिसीजंस क्यों लिए? मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे स्टूडेंट्स के खिलाफ हो, फैकल्टी के खिलाफ हो, स्टाफ, इंस्टी या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में सारे डिसीजंस वापस ले लिए गए। नो बैस, नथिंग, इट वॉज एज इफ नथिंग हैपेंड। तो सरकार, क्या हम ये मान लें कि सारे डिसीजन, सारे एक्शंस बस दिखाने के लिए लिए गए थे, जस्ट टू शो ऑफ? ऐसा कुछ भी नहीं है करण। सरकार, डजंट द होल सिनेरियो स्मेल? इन सब के पीछे आपका पॉलिटिकल मोटिव साफ दिखाई देते हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिर्फ 2-3 साल और वहां पर राज करने के लिए ये सारे डिसीजंस, ये सारे एक्शंस आप ले रहे हैं,
बस लोगों को दिखाने के लिए। रिजर्वेशन इशू पर आपका स्टैंड भी आपके माइंडसेट को साफ दिखलाता है। तो आप ये बताइए कि आपके मोटिव्स हैं क्या? तो ये था इस घिनौने खेल का एक और अध्याय, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच और झूठ के इस फासले को आपको तय करना है। जरूरत है तो अपने आंख और कान खुले रखने की। हमें आपके स्क्रैप्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारी कम्युनिटी फीनिक्स प्रोडक्शंस। जाने से पहले फिर से वही गुजारिश, चैन से रहना है तो भाग जाओ।